अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जाहिद चेस मास्टर। दोस्तों आज की वीडियो में एक नहीं बल्कि दो पजल्स हैं। फर्स्ट पजल है मेट इन वन और सेकंड पजल है मेट इन फोर। जी फ्रेंड, फर्स्ट पजल मैंने कहा कि मेट इन वन है। आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान पजल दे दिया जो कि मेट इन वन है, क्योंकि मेट इन वन मोस्टली आसान पजल ही होते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं जितना आपको नजर आ रहा है। हम देख सकते हैं कि वाइट विन कर सकता है इन मैनी वेज। फर्स्ट रुक में हमें आसानी से नजर आता है मेट इन टू, लाइक रुक कैप्चर क्वीन, d8 रुक कैप्चर क्वीन एंड चेकमेट। लेकिन फ्रेंड्स बात हो रही है मेट इन वन की। कैसे करेंगे आप मेट इन वन? वीडियो को पॉज करें एंड फाइंड आउट करें मेट इन वन मूव। ओके तो रेडी। तो दोस्तों हम देख चुके हैं कि रुक कैप्चर बिशप से तो मेट इन टू होगा, मेट इन वन नहीं होगा। और अगर आपकी मूव है, आपने सोचा है क्वीन b7, तो ये रॉन्ग मूव है क्योंकि क्वीन ऑलरेडी पिन है बिशप के साथ। या फिर आपकी मूव है बिशप h2, वो भी गलत है, उसमें भी मेट इन टू होगा, मेट इन वन नहीं होगा, क्वीन बीच में आएगी एंड देन बिशप कैप्चर क्वीन। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इस पजल का राइट आंसर, एंड राइट आंसर इज क्वीन b3 चेकमेट। बिशप कैप्चर क्वीन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिशप पिन है रुक के साथ। किंग c8 या किंग c7 पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों नाइट्स ने कवर किया हुआ है इन दोनों स्क्वेयर को, तो यहां पर फोर्स चेकमेट हो चुकी है। एंड फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ जो है मेट इन फोर मूव्स। फ्रेंड्स ये पोजीशन मैंने ली है वर्ल्ड चैंपियन विशी आनंद की गेम से। विशी आनंद खेल रहे हैं एज वाइट और वाइट कर रहा है यहां पर फोर्स चेकमेट इन फोर मूव्स। वैसे तो आनंद ने यहां पर जो मूव किया है उसके बाद उनके ओपोनेंट ने गेम को रिजाइन कर दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे पॉसिबल है यहां पर मेट इन फोर मूव्स। दोस्तों वीडियो को पॉज करें और फाइंड आउट करें वेयर इज मेट इन फोर मूव्स। ओके फ्रेंड तो स्टार्ट करते हैं। विशी आनंद ने यहां पर एक आसान मूव की जो कि हमें नजर आ रही है इन फर्स्ट लुक, पॉन g6। आफ्टर पॉन g6 विशी आनंद के ओपोनेंट ने गेम को रिजाइन कर दिया क्योंकि थ्रेट है मेट इन वन की, या फिर नेक्स्ट थ्री मूव्स में फोर्स चेकमेट हो रही है। अब हम देखते हैं ब्लैक की साइड से कि क्या पॉसिबल मूव्स हैं जो ब्लैक कर सकता है। फॉर एग्जांपल क्वीन h3, तो यहां वाइट करेगा रुक कैप्चर क्वीन और अब हो रहा है फोर्स चेकमेट इन टू मूव्स। क्वीन h7 जो कि चेकमेट की थ्रेट है ब्लैक कर सकता है, नाइट कैप्चर पॉन, देन पॉन कैप्चर पॉन और चेक है रुक के साथ भी और चेक है पॉन के साथ भी। ओनली मूव एंड फोर्स मूव किंग कैप्चर पॉन देन क्वीन g6 चेकमेट। फ्रेंड्स आज के दोनों पजल्स ज्यादा मुश्किल नहीं थे, आसान ही थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे दें इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट पजल के साथ। अल्लाह हाफिज़।